ई वाउचर और 3% एनुअल इंटरेस्ट में इसको दिया जाएगा। 10 लाख रुपया का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। सपोर्ट फॉर वोमेन एंड रूरल डेवलपमेंट, आप जानते हैं स्कीम फॉर वोमेन एंड गर्ल्स, 3 लाख करोड़ एलोकेटेड टू प्रमोट वोमेन डेवलपमेंट। 3 लाख करोड़ बजट में इसके लिए अलग से पैसा निर्मला सीतारमन में दिया है, जिसको कि गर्ल चाइल्ड और वोमेन को आपका एंटरप्रेन्योर्स और उनको आगे बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। और 2.6 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है रूरल डेवलपमेंट के लिए, आरडी के लिए, आरडी मिनिस्ट्री में पीएम ग्रामीण सड़क योजना फेज 4 पीएमजीएसवाई, इसका ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू रोड, ये इसके लिए 25,000 रूरल हैबिटेशन को कनेक्ट किया जाएगा। 25,000 गांव को जो बचा हुआ है ऑल वेदर रोड नहीं है उसके लिए दिया जाएगा, उसके लिए बजट में प्रावधान है। एमएसएमई एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई ने किया है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदने में वो विदाउट कोलेटरल ले सकता है। मुद्रा लोन लिमिट पहले 10 लाख था उसको 20 लाख बढ़ाया गया है। आपका इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट, आपका 100 सिटी इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट होगा, 100 सिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसा आपका स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट हुआ ऐसे इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट होगा, उसमें इंडस्ट्री के लिए जो जो फैसिलिटी आवश्यक है उसके लिए किया जाएगा और उसमें इंडस्ट्री जाके काम कर सकता है, इसके लिए 100 सिटी को डेवलप किया जाएगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क सेंक्शन होगा, ये अलग से होगा, ये आपका कॉरिडोर होगा, आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, ये 12 स्थान में इसको ये करके किया जाएगा। एग्रीकल्चर एंड एलाइड के लिए एग्रीकल्चर का एलोकेशन 1.52 लाख करोड़ है, 1.52 लाख करोड़ है एग्रीकल्चर के लिए। हाई यील्डिंग वेराइटीज के लिए रिलीज ऑफ 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेटिक रेसिलेंट वेराइटीज का 32 क्रॉप, इसको भी प्रमोट किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव 1 करोड़ फार्मर को किया जाएगा, उसको प्रमोशन करने के लिए। वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर ये भी आपका चिन्हित करके किया जाएगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ होगा और 1 करोड़ का घर तो ऑलरेडी है और एडिशनल 3 करोड़ बनने जाएगा, मतलब 4 करोड़ आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ये होगा। हाउसिंग लोन में सब्सिडी होगा, हाउसिंग लोन जो आप लेते थे पहले जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसमें आपका सब्सिडी होगा। टैक्स रिफॉर्म के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, कस्टम ड्यूटी रिडक्शन होगा ऑन गोल्ड और सिल्वर, ये तो बता दिया है आप तो देख रहे हैं उसको। उसके बाद फैमिली पेंशन डिडक्शन में भी जो 15,000 से उसको 25,000, सैलराइड एम्प्लॉय का 75 तक उसको एग्जम्पशन है और बाकी ये है इनकम टैक्स में आप देख लेंगे उसको। ट्राइबल के ऊपर में फोकस है बजट में, आपका पहले हम लोग का ट्राइबल बजट में हम लोग 7,488 करोड़ रुपया खर्चा करते थे, बजट हेड लास्ट ईयर का था, 73% ग्रोथ है मेरा मंत्रालय का और इस साल 13,000 करोड़ का हम लोग का स्कीम में खर्चा होगा। ये केवल स्कीम का बारे में, बाकी के बारे में अलग होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये 63,000 गांव को हम लोग चिन्हित करेंगे, ये ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग कर चुके हैं। PVTG जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, इस ग्रुप को 73 ऑल इंडिया में जो PVTG चिन्हित है उसमें से हम लोग पूरा फुल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ काम क्या क्या कर चुके हैं। अभी इसके लिए हम लोग 63,000 गांव में उस गांव का जो आवश्यक होगा, रोड हो, पानी हो, बिजली हो, आपका मेडिकल का फैसिलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट हो या एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट है ये सब वहां किया जाएगा। उसके बारे में 63 जो विलेज है ये सब ऑलमोस्ट आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का गांव सब है, 63,000 गांव है, उसको चिन्हित करके उसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड
ये सब को किया जाएगा। सिग्निफिकेंट बजट ग्रोथ हुआ है हमारा उसमें। और एक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये एक नया स्कीम है, वैसे तो पुराना स्कीम है। मैं जब पहला मंत्री था 99 में, उस समय में हम लोग 100 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मंजूर हमको प्लानिंग कमीशन ने उस समय का दिया था। उसमें से हम लोग 84 कर चुके हैं और वो ऑनगोइंग है। बाकी अरुण जेटली ने बजट भाषण में उनका बताया कि हम लोग 20,000 से ज़्यादा जहाँ एक ब्लॉक में ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 6 क्लास से 12 क्लास तक टोटल फ्री फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इसको हम बनाएंगे। उस समय में उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारा एक एक का 5 करोड़ था, फिर बढ़ गई 10 करोड़ हुआ, 12 करोड़ हुआ। अभी कुछ कुछ एरिया में हम लोग 48 करोड़ एक एक स्कूल यूनिट के लिए दे रहे हैं। ये हमारा 740 बनाना था, लेकिन क्योंकि पुराना कवर कुछ हो गया है, आप मैपिंग में थोड़ा इधर उधर है, ये हम 728 बनाएंगे, 728। ये आपका केंद्रीय विद्यालय संस्थान से बड़ा होगा और ये आपका सैनिक स्कूल से संस्थान से भी बड़ा होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय का संस्थान से भी बड़ा होगा। और इसके लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल NESTT ऑलरेडी गठन हो चुका है, इसका कमिश्नर हम बैठा चुके हैं, माने वो है ऑलरेडी। हम 10,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट इसमें हम कर चुके हैं और आगे इसको हम बढ़ाएंगे। इसके लिए एक्सक्लूसिव 6,399 रुपया इसके लिए बजट में अलग से एलोकेशन है। हमारा वॉलेंट्री एजुकेशन को, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन लोगों को हम लोग सपोर्ट करते हैं। कहीं कहीं हम जहाँ पहुँच नहीं पाते हैं तो अच्छा अच्छा वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग काम करते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन है, भारत सेवा मिशन है, बहुत सारे है ऐसा और उसके सिवा है। तो इनके लिए इस साल का बजट में हम लोग 160 करोड़ रुपया हम देंगे। वो पैसा हम आजकल ये सब ऑनलाइन हो गया है, ये इसको फिर पहले जो जैसा बना के इसको ले लेता था NGO पैसा, ऐसा नहीं है, आजकल सब ऑनलाइन है। प्लस स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, माने कलेक्टर और सब कलेक्टर वहाँ का ऑफिसर उसको सर्टिफाई करेंगे, यस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग प्रॉपरली एंड यूटिलाइजिंग द मनी। वो सर्टिफिकेट देने से भी उसको नेक्स्ट ईयर का मिलता है, नहीं तो नहीं। ऐसे आपका एडिशनल प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, ये आपका 152.32 करोड़ रुपया एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के लिए दिया है, ट्राइबल लोगों में एंटरप्रेन्योर्स आए इसके लिए हम लोग दिया है। ट्राइबल रिसर्च हो, TRI है, यहाँ भी TRI है, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे माने क्या बोलेंगे म्यूजियम बनाए हैं ट्राइबल के बारे में, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के बारे में, उनके लेख के बारे में, उनका रिसर्च और दूसरा काम के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग 32 करोड़ रुपया दिया है। आप जानते हैं प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये दो स्कीम हैं जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट टू स्टूडेंट होता है और बेनिफिशियरी सिलेक्शन बा सर्टिफिकेशन ये स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। ये 60-40 का स्कीम है और इसके लिए 440 करोड़ रुपया प्री मैट्रिक के लिए और पोस्ट मैट्रिक के लिए 2,432 करोड़ रुपया हम लोग दिया है। इसके सिवा और 2-3 स्कीम यहाँ थोड़ा लिखा नहीं है, वो है कि हम हायर स्टडी के लिए स्टूडेंट लोगों को स्टाइपेंड देते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर है डॉक्टर और PhD करने के लिए उनको देते हैं, जो ओवरसीज पढ़ने जाते हैं उस लोगों के लिए भी हम लोग देते हैं। ये मैं नेशनल आपका बजट के बारे में बोलूँगा। अभी मैं त्रिपुरा के बारे में आऊँगा, आपका त्रिपुरा स्टेट के बारे में, त्रिपुरा स्टेट के बारे में जो स्कीम हम लोग किया है उसमें से यूनियन कैबिनेट